नारा जी जा रही हो बिग बॉस के घर में, अभी क्यों भाई हैं? इतने सालों से हमें वेट करा दिया और अब जा रही हो? इस बार मुझे मूड हुआ, मेरे को अंदर से इच्छा हुई, मेरे को अंदर से एक्साइटेड फील हुआ, मेरे को ऐसी लगी कि मेरे को कॉलिंग मिल रही है, मेरे सारे दोस्तों ने भी मुझे बोला जा जा जा, तो बस अब चले ही जाते, बस हो गया, बहुत हो गया। एक है ना, एक मैंने आर्टिकल पढ़ा था कि इस बार बिग बॉस में होंगी दो अलग अलग चुड़ैल हैं। मैं चुड़ैल नहीं, यू आर नॉट, यू आर ब्यूटीफुल नायरा बनर्जी। सिद्धार्थ शुक्ला जी के सीजन से एक ट्रेंड बन गया था धक्का मुक्की वाला, और वो अब बहुत नेचुरल और नॉर्मल हो गया बिग बॉस में। योर पर्सनैलिटी इज लाइक वेरी शांत बबली, लेकिन गुस्सा आएगा तो तब क्या करेंगे? बात करूंगी, एक्सप्रेस करूंगी, सुलझाऊंगी, डिस्कस करूंगी, नेगोशिएट करूंगी। आपके फ्रेंड्स हैं अच्छे, निशांत भाई हैं, शिव ठाकरे हैं, उन्होंने क्या एडवाइस दी? निशांत ने मुझे वो समझाया जो उसने नहीं किया था। शिव ने तो यही समझाया कि तू जैसी की जैसी है, एकदम टॉप टू बॉटम वैसे ही जाना। कितने कपड़े ले जा रहे हो ये तो बता दो, एटलीस्ट 300-400 कपड़े तो फॉर श्योर। और आप डांस जरूर करना। डांस तो मैं करूंगी। नायरा को गुस्सा क्यों आता है? जब कोई इंसान झूठ बोलता है, जब कोई इंसान चीट करता है। ये डर नहीं लगा जाने से पहले? अगर मुझे डरना ही है तो मैं इस जर्नी में जाऊंगी क्यों? इस बार मेरे अंदर का दिल मुझे बोल रहा है कि तू जा। What kind of personality is yours? मैं बदमाश हूँ लेकिन मैं शैतान नहीं हूँ, मैं नॉटी हूँ बट मैं वो नहीं हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल दिल्ली खजाना में। इस वक्त मैं बैठा हूँ खूबसूरत ब्यूटीफुल नायरा बनर्जी के साथ। नायरा जी जा रही हो बिग बॉस के घर में, सवाल तो सबसे पहला यही है कि अभी क्यों भाई है? इतने सालों से हमें वेट करा दिया और अब जा रही हो? यार अभी मेरा मन कर गया, एवरीथिंग इज ऑल अबाउट माय मूड। ओके, मैं अपने मूड के हिसाब से जो करना रहता करती हूँ। इस बार मुझे मूड हुआ, मेरे को अंदर से इच्छा हुई, मेरे को अंदर से एक्साइटेड फील हुआ, मेरे को ऐसी लगी कि मेरे को कॉलिंग मिल रही है, मेरे सारे दोस्तों ने भी मुझे बोला जा जा जा, तो बस ले लिया। अब और प्रोकास्टिनेट नहीं करना है, अब और हाना हाना नहीं करना है, अब चले ही जाते, बस हो गया, बहुत हो गया। ओके नायरा जी, बिग बॉस में अगर बात की जाए तो इधर यू शुड बी द ट्रबल मेकर, तब आप बहुत हाईलाइट हो जाते हो, या तो आप ट्रबल को सॉल्व कर रहे होते हो या रिजॉल्व कर रहे होते हो चीज़ों को, तो हाईलाइट होते हो। What kind of personality is yours? I don't think I'm a troublemaker. Because I've always been a good kid. मैं बदमाश हूँ लेकिन मैं शैतान नहीं हूँ, मैं नॉटी हूँ बट मैं वो नहीं हूँ। लाइक यू नो, आई डोंट हार्म पीपल और आई डोंट क्रिएट इशूज फॉर पीपल, बट आई डू फाइट वेन इट्स नीडेड टू फाइट। आई डू फाइट फॉर द राइट थिंग्स, आई डू फाइट फॉर पीपल्स इमोशनल सेफ्टी एंड ऑल दैट। तो आई थिंक, मुझे नहीं लगता मैं ट्रबल मेकर के जोन में आती हूँ, मैं रिजॉल्विंग के जोन में डेफिनेटली आती हूँ। बिग बॉस आपके करियर को ऊंचाइयों पे भी पहुंचाता है, लेकिन एक बहुत ही बैड एग्जांपल हमने देखा था अंकिता लोखंडे और उनके हस्बैंड का, लिटरली इंडस्ट्री में थोड़ा उनके लिए एकदम बहुत बुरी चीज़ें हो गई थी, तो ये डर नहीं लगा जाने से पहले? अगर मैं ये डर के जाऊँ तो ना मैं अपना पीसफुली अपनी जर्नी को एक्सप्रेस कर पाऊँगी या इन्जॉय कर पाऊँगी, एंड अगर मुझे डरना ही है तो मैं इस जर्नी में जाऊँगी क्यों? लोग कहते हैं बिग बॉस तब जाना चाहिए, लोग कहते हैं जब बिग बॉस तब जाना चाहिए जब आपके करियर में कुछ नहीं हो रहा है। मेरे निकलते ही 3-3 रिलीजेस हैं, मैं फिर भी जा रही हूँ। फिर भी इसलिए जा रही हूँ कि आज अंदर से मेरे को एक कॉलिंग आई है, एंड आई थिंक दैट आई रियली फील द सीजन नाउ, एंड इट्स हाई टाइम दैट आई मेक अप माई माइंड, बिकॉज हर बार मैं सोचती हूँ मैं जाऊँगी लेकिन कुछ तो मेरे अंदर से रोक लेता है। इस बार मेरे अंदर का दिल मुझे बोल रहा है कि तू जा। ओके, तो I'm like, okay, for me it's just decision. Okay, नायरा को गुस्सा क्यों आता है? नायरा को गुस्सा तब आता है जब कोई इंसान झूठ बोलता है, जब कोई इंसान चीट करता है, okay, और जब कोई इंसान वही चीट एंड धोखा सेम थिंग, डबल स्टैंडर्ड, क्योंकि वो गुस्सा नहीं आता है, वो मुझे डिसअपॉइंट करता है कि तुम कितने उलझे हुए इंसान हो कि तुमको अपनी इनसिक्योरिटी को बचाने के लिए झूठ बोलना पड़ा या चीट करना पड़ा। मतलब यू हैव दैट चीटिंग एनर्जी इन यू, सो मेनी पीपल मस्ट हैव चीटेड यू और सो मेनी पीपल मस्ट हैव गिवन यू सैडनेस, आई फील बैड फॉर देम। सो गुस्सा तब आएगा जब मैं बात करके चीज़ों को रिजॉल्व नहीं कर पाऊंगी, तब आई जस्ट बी अपसेट। ओके, इट्स नॉट गुस्सा, I'll just be upset and then I'll try to explain that person. Okay. अच्छा, packing में क्या-क्या ले जा रहे हो? मतलब सामान कितने कपड़े ले जा रहे हो? ये तो बता दो। एटलीस्ट 300-400 कपड़े तो फॉर श्योर। 300-400? या मैं अपना पूरा घर पैक करके लेके जा रही हूँ, क्योंकि जब तक मैं साइन हुई तब तक बहुत कम दिन था, मैं डे नाइट पैक कर रही हूँ, डे नाइट अपने कपड़े ट्रायल्स कर रही हूँ। आई डू हैव अ स्टाइलिस्ट बट वो पुणे से है एंड उनका रोज़ रोज़ यहाँ पे आना बहुत डिफिकल्ट है,
कुछ कपड़े मैं सोर्स करवा रही हूँ लेकिन 90% मेरे खुद के कपड़े हैं, और उसको पैक करना मतलब इज़ अ रियल हेडेक बिकॉज आई एम ओनली गेटिंग द आयनिंग डन, द स्टीमिंग डन, द लॉन्ड्री, खुद को पहन के ट्राई करना, फिर डिसाइड करना. पिछले 3-4 दिन से मैं सिर्फ 3-4 घंटे ही सो रही हूँ. ओके okay. अच्छा नायरा जी, आपके फ्रेंड्स हैं अच्छे, निशांत भाई हैं, शिव ठाकरे हैं, उन्होंने क्या एडवाइस दी लाइक जाने से, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दोनों की जर्नी अलग रही थी. निशांत भाई तो बहुत जल्दी आउट हो गए थे, शिव ठाकरे टॉप टू. या सो सी निशांत ने मुझे वो समझाया जो उसने नहीं किया था. उसने ये बार बार बोला है कि चुप मत रहना, इंट्रोवर्ट मत रहना. ये एक पर्सनैलिटी कॉन्टेस्ट है जहाँ पे लोग आपकी पर्सनैलिटी देखना चाहते हैं, आपको चुप नहीं देखना चाहते. तो मैंने जो मिस्टेक्स किए मेरी माँ प्लीज़ मत करना, ये निशांत ने मुझे समझाया है. शिव ने तो यही समझाया कि तू जैसी की जैसी है एकदम टॉप टू बॉटम वैसे ही जाना, सुबह उठना मस्त, मेकअप वेकअप करना, आइटम बनना, चिल करना, खाना वाना पकाना, दोस्ती करना, मजे करना, एकदम एंजॉय करना अपना जर्नी. दैट्स व्हाट शिव टोल्ड मी. पिछले कई सीजन से हमने देखा है सोशल मीडिया फॉलोवर्स जिसके बहुत ज्यादा होते हैं उसको बना देते हैं विजेता. अब सीजन के मैं नाम नहीं लूंगा, मुझे पता है राइट. यहाँ पे अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा आ गया जो खेल नहीं रहा है शो, ठीक है नॉर्मल चिल कर रहा है घर में, एकदम सुस्त पड़ा है, लेकिन अब जो फॉलोअर्स आ गए उसके इतने सारे, तो भाई तो बड़ा क्लैश हो जाएगा. तब तो ऐसा नहीं लगेगा कि पानी में आके इतनी मेहनत करी सब पानी में चली गई? मुझे लगेगा, लेकिन क्या ये मेरे जिंदगी को ड्राइव करता है? ये मुझे वही सिखाएगा जो इस शो से मुझे सीखना है. आई मूव ऑन फ्रॉम इट, इट्स ओके बिकॉज पीपल विल नो इफ दिस शो इज डूइंग जस्टिस टू द रियल पर्सनैलिटी और नॉट. एवरीबडी विल नो, ट्रूथ कैन नॉट बी हिडन. एंड आई एम श्योर इतना बड़ा शो ऐसे ही किसी को ट्रॉफी नहीं दे देगा अनलेस that person has nothing that person has offered to the show. Okay. I'm hoping. Okay. Siddharth Shukla ji ke season se ek trend ban gaya tha dhakka mukki wala, matlab shoulder, chest bumping ye sab, aur wo ab bahut natural aur normal ho gaya Big Boss mein. In fact last season mein thappad upar chal gaye the aur usko dekh ke Big Boss Marathi mein bhi ye baat shuru ho gayi hai. So matlab wahan pe bhi dhakka mukki, thappad upar marna aisa wala season type ka chal gaya tha. So your personality is like very shant, bubbly, लेकिन गुस्सा आएगा तो तब क्या करेंगे? तो that doesn't mean उठा के चमाट मारूंगी ना, बात करूंगी, express करूंगी, सुलझाऊंगी, discuss करूंगी, negotiate करूंगी. There are so many other ways. You don't have to be angry and slapping and hitting each other all the time, यार. आप रस्ते के लोग थोड़ी होगी कभी भी हाथ उठा के मारना शुरू कर दो. सबकी फैमिली होती है, सबकी अपब्रिंगिंग होती है, सबको अच्छी चीजें सिखाई जाती है. हम स्कूल क्यों जाते हैं, कॉलेज क्यों जाते हैं? अच्छी चीजें सीखने के लिए ना. तो आप अगर वो चीज फॉलो नहीं कर रहे हो मतलब आपकी स्कूलिंग, आपकी पेरेंटिंग, आपकी अपब्रिंगिंग सब वेस्ट है. Okay. I think उस जोन तक नहीं जाना चाहिए. You should have control over your anger and state of mind. मुझे ऐसा लगता है. Okay. बाकी लोग का क्या है मेरे को नहीं पता. अच्छा एक है ना, एक मैंने आर्टिकल पढ़ा था कि इस बार बिग बॉस में होंगी दो अलग अलग चुड़ैल. मैं चुड़ैल नहीं, you are not, you are beautiful Naira Banerjee. But the serial you have done in past, वो उसमें भी मैं चुड़ैल नहीं हूँ. But लेकिन नाम जो था पिशाच, वो चुड़ैल नहीं था, वो पिशाच नहीं था. तो मुझे एक बात बताइए, जब वहाँ पे एक और आ रही है वो भी आपकी तरह वोकल है. हाँ, मेरी पैरेलल यूनिवर्स में मेरी फ्रेंड है, फ्रेंड है, बट वैसे अगर देखा जाए तो कुछ और होगा पता नहीं. ये भी वही सोचते हैं. तो मुझे ये बताइए कि क्या मतलब कॉन्सेप्ट, जब दोनों के जब क्लैश करेंगे तब क्या होगा? देखो मैच्योरिटी भी होती है दो लोगों में. उन्होंने भी बहुत काम किया है, मैंने भी बहुत काम किया है, हम उम्र जैसे भी लगते हैं. क्लैश तब होता है जब एक इंसान का दूसरे इंसान के पर्सपेक्टिव के पे समझदारी नहीं होती है, या फिर वो रिजॉल्व करना ही नहीं चाहते. अगर रिजॉल्व करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, अगर रिजॉल्व नहीं करना चाहते हैं तो वो कंटेंट देने में फोकस रखते हैं, विच इज़ ऑल्सो फाइन. तो आपको किस तरह से गेम खेलना है आप वही सोचेंगे. अगर क्लैश होगा तो हम देखेंगे कैसे क्लैश को सॉल्व करना है, नहीं होगा तो शायद हमारे बीच में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप भी हो. बट दोनों चीज़ें की पॉसिबल बहुत हाई है. ओके तो दोस्तों ये है नायरा बैनर्जी, द ब्यूटीफुल, द गॉर्जियस, जिन्होंने ढेर सारी बातचीत करी. और एंड थैंक यू सो मच इतना अच्छा टाइम देने के लिए. आपके फैंस देख रहे हैं, कुछ बोल दो उन्हें. जस्ट वांट टू से थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग एंड थैंक यू इन एडवांस फॉर वोटिंग फॉर मी एज वेल. एंड आई होप आपको ये सीजन बहुत मज़ेदार लगे, बहुत एक्साइटिंग लगे, बहुत एंटरटेन हो. नहीं भी होगा तो हमें मौका देते रहिए प्लीज़, क्योंकि हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि हम आपको पूरी तरह से एंटरटेन रखें.
प्लीज जरूर करना एंटरटेन, थैंक यू सो मच। और आप डांस जरूर करना। डांस तो मैं करूंगी, देखो झगड़ा वाला वो सब मेरे से इतना एक्सपेक्ट मत करना, मैं कोशिश करूंगी कि मैं कम झगड़ा करूं, मेरे पास और भी बहुत सारी क्वालिटीज हैं। यस यू हैव, थैंक यू सो मच।